राज्य व्यय विशेष पैकेज सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बनेगा वो उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आएगी, तो उस बात की भी बहुत खुशी है कि वो समस्तीपुर होते हुए निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बजट को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे जब तक ये बजट पेश नहीं किया गया था। जैसे ही ये बजट पेश हुई, इसे देखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा खुश नजर आए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मानना है कि ये जो बजट आई है वो बिहार के हित में है। इस पर LGPR के नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी भी खूब बोली है। उनके हिसाब से इस बार जिस तरीके से NDA की सरकार बनने में JDU यानी कि नीतीश कुमार की एक अहम भूमिका रही है, उसे मद्देनजर रखते हुए NDA सरकार ने बिहार पर खास ध्यान दिया है। खास ध्यान यानी कि आज के बजट में जो कुछ भी था बिहार के लिए वो काफी ज्यादा बेहतरीन था नीतीश कुमार के मुताबिक। आपको बता दें कि शांभवी चौधरी ने यह भी कहा कि जब NDA को JDU की जरूरत थी यानी कि बिहार सरकार की जरूरत थी लोकसभा चुनाव के सरकार बनाने में, तो JDU NDA के साथ थी। अब जब आने वाले चुनाव में बिहार सरकार को NDA की जरूरत होगी तो उस समय NDA भी जरूर JDU के साथ होगा। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहते नजर आ रही है नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी। आज बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, किस तरह से देखा बजट? बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और हमने अपने मेडन स्पीच में भी एक मांग रखी थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। 14th कमीशन के बाद, अगर 14th कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिला है और जो यूनियन बजट है वो उसी पे बनता है। तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके। और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या आप विद्युत विभाग देखें जिसमें भागलपुर में 2400 मेगावाट का 21,000 का प्रोजेक्ट पावर प्लांट तैयार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्लड मिटिगेशन को देखें, क्योंकि बिहार फ्लड प्रोन है, नॉर्दर्न बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या रहती है, फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट है, बेरोजगारी का जो मांग था जहां वहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम लिया है। जिस तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं, इस बजट में बहुत खूबसूरती से बिहार के टूरिज्म को आगे लेके जाया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बनेगा वो उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आएगी, तो उस बात की भी बहुत खुशी है कि वो समस्तीपुर होते हुए निकलेगा। हम चाहेंगे कि वो समस्तीपुर होते हुए निकले। इसके अलावा राजगीर, गया, बोध गया, नालंदा पे फोकस है टूरिस्ट विभाग का, तो ये सारी चीजें हम मानते हैं कि इससे बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी और बहुत मजबूती से नए इन्वेस्टमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोजगार का वहां समस्या था, ये सबको हम लोग, ये सारी समस्याओं से डील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से बजट को लेकर शांभवी चौधरी कह रही है कि आज बहुत खुशी भरा दिन है हमारे लिए, आज का दिन काफी ज्यादा खास है हम सभी लोगों के लिए क्योंकि आज संसद में बजट पेश किया गया है जो कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला ये बात की बात है, लेकिन विशेष पैकेज यानी कि स्पेशल पैकेज बिहार को मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।